एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन गर्ल। और मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से एक प्रोडक्ट रिव्यू। नाउ आज का प्रोडक्ट रिव्यू है NYBAE की लिक्विड कंसीलर का। जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि इसका रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, सो आज मैं आप लोग के साथ इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि इस कंसीलर को मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में यूज़ किया है, बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स में यूज़ किया है और काफ़ी टाइम हो गया है मुझे इसको यूज़ करते हुए। सो अब मुझे लगता है कि मैं आपके साथ इसका एक्चुअल रिव्यू शेयर कर सकती हूँ। सो हेयर वी गो। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ जाके नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना। उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसको भी हिट कर देना ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर से कर देना, कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बता देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और जो भी मेकअप लवर हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट होगा। सो वी विल रॉक। सो गाइस विद नो डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का हमारा प्रोडक्ट है ये है NYBAE का लिक्विड कंसीलर। ये है NYBAE का HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर, जिसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है। ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का है। नाउ इसकी पैकेजिंग, इसकी लिक्विड लिपस्टिक्स जो है उसकी पैकेजिंग के बिल्कुल सिमिलर है। आपको ये मिल जाएगा एक ब्लैक कलर का कैप और एक प्लास्टिक की बॉटल। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका वॉन्ड। सो अगर हम इसकी वॉन्ड की बात करें तो इसका वॉन्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही स्टिफ लगेगा, आपको अगर ये विजिबल हो रहा होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल इसका वॉन्ड है। नाउ अगर शेड की बात करें तो इसका शेड कुछ इस तरीके का है। सो मेरा शेड है इसमें वाइट एंड मिल्क चॉकलेट प्रिजल। नाउ इसका शेड का कलर कुछ इस तरीके का है। ये थोड़ा लाइट है मेरे स्किन टोन से, क्यों? क्योंकि मैं इसको एज अ हाइलाइटर की तरह यूज़ करती हूँ फाउंडेशन के बाद। सो आप देख सकते हो कि इसका शेड किस तरीके का है और ये बहुत ही ईजीली ब्लेंड हो जाता है। सो मैं आपको इसको ब्लेंड करके दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हो कि ये कितना ईजीली ब्लेंड हो गया है मेरे स्किन में। नाउ अगर पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल्स, जिसमें आपका शेड नंबर लिखा हुआ होगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय लिखा होगा और प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो मेंशन होगी। नाउ इसके पैकेट में आपको मिल जाएगी इसकी शेल्फ लाइफ, इसकी शेल्फ लाइफ है 2 साल की। इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट है वो इसकी पैकेजिंग में मेंशन है। और इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इसमें पैराबीन है, इसमें है आपका मिथाइल पैराबीन और है प्रोपाइल पैराबीन। सो अगर आप लोग पैराबीन प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करते हो तो आप इस प्रोडक्ट को मत परचेज़ कीजिएगा। नाउ हम इसके क्लेम्स की बात कर लेते हैं। नाउ ये बोल रहा है कि कैमोफ्लॉजस स्किन इरेगुलरिटीज़, लॉन्ग वियर एंड क्रीजलेस, इवन स्किन टोन, प्रोवाइड्स नेचुरल लुकिंग कवरेज, लाइट वेट फॉर्मूला और ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम। सो ये बहुत सारे क्लेम्स कर रहा है। सो लेट्स सी कि ये अपने क्लेम्स में कितना ज़्यादा खरा उतरता है। सो अगर हम इसके शेड्स की बात करें तो ये 13 शेड्स में अवेलेबल है और बहुत सारे शेड्स हैं। आपको कलर करेक्टर के भी शेड्स मिल जाएंगे, ऑरेंज करेक्टर, ब्लू करेक्टर, ग्रीन करेक्टर और बहुत सारे स्किन टोन से रिलेटेड आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। 13 शेड्स में आपको अपना शेड तो मिल ही जाएगा। नाउ अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें मेंशन है ये 195 रुपीज़ का, पर अभी पर्पल में डिस्काउंट चल रहा है तो उसमें आपको 35% ऑफ मिल जाएगा। प्लस जब मैंने इसको परचेस किया था तो मैंने इसको 50% ऑफ में परचेस किया था। सो गाइस थिंक कि 100 रुपीज़ से भी कम में अगर आपको कंसीलर आपको मिल जाता है सो ये तो बहुत ही परफेक्ट डील है। और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा हो तो ये सोने पे सुहागा वाला काम करता है। सो चलिए देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसा है, कैसा काम करता है। सो चलिए इसका कवरेज देखते हैं। सो एक साइड में मैं ब्लेंड करूँगी अपने हैंड के साथ और एक साइड में मैं ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ताकि इसका कवरेज हम जान सकें कि ब्यूटी ब्लेंडर से इसका कैसा कवरेज आता है और अगर हम अपने हैंड्स का यूज़ करके इसको यूज़ करते हैं तो ये कैसा कवरेज देता है। सो प्रोडक्ट को मैं ले लूँगी। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो कि एक ही स्वाइप में आपको बहुत सारा प्रोडक्ट मिल जाता है, आपको बहुत बार इसको नहीं लेना होता है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से।
आप देख सकते हो इसका कवरेज, लाइक इसने कितना ज़्यादा ब्राइटनेस दे दिया है और कितने आराम से ये ब्लेंड हो गया है, मतलब ब्लेंड होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इसका कवरेज भी बहुत अच्छा है, लाइक ये आपके अंडर आई एरिया को बहुत अच्छा कवर करता है और बहुत अच्छे से कंसील करता है और ब्राइट बनाता है। नाउ इस साइड में करूँगी अपने हाथ से ब्लेंड कि ये कैसा ब्लेंड होता है, लेट्स सी। सो दोनों ही तरफ आप देख सकते हो डिफरेंस, लाइक दोनों ही तरफ इसने बहुत अच्छी कवरेज दी है, तो दोनों ही तरफ ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। प्लस आप देख सकते हो कि मैंने प्रोडक्ट को पहले अप्लाई किया उसके बाद मैंने ब्लेंड किया, तो ऐसा नहीं हुआ कि जब तक मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ तो इधर की तरफ को ड्राई हो गया, पैची हो गया और मैं इसको ब्लेंड नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि दो मिनट में ये ड्राई हो जाएगा और उस पर्टिकुलर एरिया में पैचीनेस लगेगा। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो आप देख सकते हो दोनों तरफ। इस साइड को थोड़ा सा नेचुरल फिनिश है क्योंकि इस साइड मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से किया है, तो ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा प्रोडक्ट को सोख लेता है जो भी एक्सेस प्रोडक्ट हो, और यहाँ पे उतना ही प्रोडक्ट का यूज़ होता है जितना आपके फेस को चाहिए होता है। सो अगर आप एक नेचुरल लुक चाहते हो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कर सकते हो कंसीलर का यूज़। आप देख सकते हो ये कितना नेचुरल लुक लग रहा है। तो नाउ अगर आप इस साइड को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नेचुरल लुक नहीं है क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा ही आपके फेस में है। सो दोनों ही तरफ ये बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है, लाइक ये आप पे डिपेंड करता है कि कब आप एक नेचुरल फिनिश चाहते हो, एक नेचुरल लुक चाहते हो, और कब आप थोड़ा सा, अगर आप पार्टी में जा रहे हो और आप चाहते हो कि आपका मेकअप थोड़ा सा हैवी दिखे तो आप अपने हैंड से ब्लेंड कर सकते हो और आपको ऐसा कवरेज मिल जाएगा। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा कवरेज चाहिए। दोनों ही तरह से मुझे ये कंसीलर अच्छा ही लगा, प्लस ये इतना इंस्टेंट क्रीज भी नहीं करता है, लाइक आपने अप्लाई किया और ये तुरंत क्रीज करने लग जाए। पर हाँ, ये क्रीज ना करे उसके लिए आप इसकी पाउडर सेटिंग ज़रूर से कर ले ताकि आपका कंसीलर क्रीज ना करे, बिकॉज कंसीलर्स क्रीज करते हैं। तो आप इसको सेट करने के लिए पाउडर सेटिंग कर सकते हैं, ट्रांसलूसेंट पाउडर से आप सेट कर सकते हो या कॉम्पैक्ट से आप अपने कंसीलर को सेट कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा चलेगा। नाउ अगर हम कवरेज की बात करें कि ये स्पॉट्स में कैसा काम करता है, सो लेट्स सी। लाइक आप देख सकते हो कि इधर को मेरे थोड़ा सा स्पॉट्स हैं, सो ये कंसील करता है कि नहीं। ओके, सो ये आपके स्पॉट्स में ऐसा भी नहीं है कि एकदम फुल कवरेज दे देगा, लाइक हाइड करता है बट ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रामेटिकली हाइड करता है, लाइक पूरा कवरेज आपको दे देगा ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे डार्क स्पॉट्स है तो मुझे इसका इतना ज़्यादा कवरेज नहीं लग रहा है, बट हाँ ये एज अ ब्राइटनिंग इफेक्ट आपके फेस को ज़रूर से देता है। लाइक आप इसको अगर एज अ ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए यूज़ करोगे इस कंसीलर को तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ये एज अ ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो अगर हम इसके प्राइस को देखें तो ये मुझे लेस देन 100 में मिला है, तो 100 रुपीज़ से कम में अगर आपको कोई कंसीलर मिल रहा है और अगर ये इतना भी काम कर रहा है तो वो एक गुड डील है। तो ये कंसीलर मुझे पसंद आया, और अगर आप अपने इम्परफेक्शंस को हाइड करना चाहते हो तो ये इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा, सो उसके लिए आप कुछ और चूज़ करें। सो एट लास्ट मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही होगा कि इस प्राइस रेंज में लाइक 100 रुपीज से भी कम में आपको अगर कोई कंसीलर मिल रहा है और अगर आपके लिए वो इतना काम कर रहा है, सो इट्स अ गुड डील, और मुझे ये कंसीलर पसंद आया। तो मैं इसको ज़रूर से यूज़ करना चाहूँगी हाईलाइट करने के लिए अपने फेस को, लाइक अंडर आई एरिया को और जो भी एरियाज हैं जो कि हमें हाईलाइट करना होता है ताकि थोड़ा सा ब्राइट दिखे, तो उसके लिए मैं इस कंसीलर को ज़रूर से यूज़ करूँगी। पर हाँ, इम्परफेक्शंस को हाइड करने के लिए ये इतना ज़्यादा बेहतर काम नहीं करता है। मुझे ये कंसीलर पसंद आया ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए और इसको मैं ज़रूर से आगे यूज़ करूँगी सिर्फ इस एक पर्पज़ के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। बोल रहा है कि कैमोफ्लॉजस स्किन इरेगुलरिटीज, yeah.